जंग। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की सोमवार को मां और पत्नी से मुलाकात हुई। मीटिंग 47 मिनट चली। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में मुलाकात के वक्त सब कुछ ठीक नहीं था। जाधव और उनकी पत्नी चेतना मां अवंतिका के बीच एक ग्लास पार्टीशन कांच की दीवार थी। जाधव के सामने एक फोन था, इसका स्पीकर ऑन करके बातचीत कराई गई। कुछ दूरी पर इंडियन डिप्लोमेट जेपी सिंह थे। खास बात यह है कि सिंह के सामने भी एक ग्लास पार्टीशन था, यानी वो उस बातचीत को नहीं सुन सकते थे जो जाधव और उनकी पत्नी मां के बीच हो रही थी। जब मुलाकात खत्म हो गई, तो पाकिस्तान ने जाधव का नया वीडियो जारी किया। इसमें जाधव कथित तौर पर मीटिंग अरेंज करने के लिए पाकिस्तान सरकार का शुक्रिया अदा करते नजर आते हैं। कितनी देर चली मुलाकात? बातचीत दोपहर 2:18 बजे शुरू हुई, करीब 47 मिनट। हालांकि जाधव की मां अवंतिका और पत्नी चेतना पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस में करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक रहीं। कैसे हुई बातचीत? एक स्पीकरफोन के जरिए। स्पीकरफोन की आवाज कांच की दूसरी तरफ जाधव की मां और पत्नी तक पहुंचती। इस दौरान पाकिस्तान की एक महिला डिप्लोमेट फरह भुक्ती भी मौजूद थी। क्या मुलाकात की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई? इस मुलाकात को पाकिस्तान ने 3 TV कैमरों से रिकॉर्ड किया। 2 CCTV कैमरे भी वहां लगे थे। क्या जाधव की फैमिली को मीडिया के सामने पेश करना चाहता था पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान इसे अपनी इमेज चमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। भारत ने पाकिस्तान का प्रपोजल ठुकरा दिया। कॉन्सुलर एक्सेस पर क्या विवाद है? पाक के फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने जाधव की मां पत्नी और मां से मुलाकात को कॉन्सुलर एक्सेस कहा। उन्होंने जियोयम से कहा, ये कॉन्सुलर एक्सेस ही तो है। क्या ये कॉन्सुलर एक्सेस है? भारत का क्या कहना है? भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था। इंडियन नेवी से रिटायरमेंट के बाद वे ईरान में बिजनेस कर रहे थे। हालांकि पाक का दावा है कि जाधव को बलूचिस्तान से 3 मार्च 2016 को अरेस्ट किया गया था। पाकिस्तान ने जाधव पर बलूचिस्तान में अशांति फैलाने और जासूसी का आरोप लगाया है।